इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि अगर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, हाँ डिड नॉट रिसीव ए वेरिफिकेशन कोड, प्लीज़ चेक योर एसएमएस मैसेजेस बिफोर रिक्वेस्टिंग अनदर कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है इस तरीके से, कॉल कुछ सेकंड बाद या एसएमएस इस टाइम बाद आपको आएंगे। देखिए यहाँ पर अब जो पहले ऑप्शन दिया जाता था वो साइड में ही दिया जाता था, अब डिड नॉट रिसीव कि आपको कोड जो है रिसीव नहीं हुआ है, तब इस पर टिक करेंगे तब ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से ये रिसीव नहीं हो पाता, कॉल आपके पास आ नहीं पाती, ठीक है, तो रीज़न क्या होता है, देखिए अगर किसी वजह से किसी की इनकमिंग कॉल बिल्कुल बेसिकली बंद हो जाती है तो उसको मैक्सिमम रिचार्ज करवाना पड़ता है तब आएगी, और इनकमिंग मैसेजेस भी बंद हो जाते हैं तो इनकमिंग मैसेज का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है यहाँ पर, तब वो रिसीव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, आपके जो है नेटवर्क सिग्नल जो यहाँ पर प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर 3-4 आ रहे हैं मेरे में, तो ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 1-2 या फिर ये नो सर्विस दिखाता है तो तब हमारा दिक्कत हो जाती है, तब हमारे नहीं आते। बाकी जब ये टाइम खत्म हो जाए तब यहाँ पर आप क्लिक करिए, देखिए कि आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर टाइम और बढ़ जाता है बार बार, और कॉल आ जाती है तो सिंपली आप यहाँ पर या कॉल में जो कोड बोलेगी वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा रिकॉर्ड करके दूसरे मोबाइल में टाइप करके, या फिर एसएमएस मंगवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कुछ सेटिंग्स भी करिएगा कि जो भी व्हाट्सएप आप चला रहे हो यहाँ पर वो लेटेस्ट वर्जन में चल रही हो, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप को यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद अपडेट रखना है आपको फुली वर्जन पर, ठीक है, जिससे कि आपको मैसेज रिसीव हो जाए, और अपनी स्टोरेज खाली रखिएगा मैसेज की, और होल्ड प्रेस करिएगा, ऐप इन्फो पर जाइएगा और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर टिक करके इसे क्लिक करके कर दीजिएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस करना है बस आपको और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टोरेज जरूर खाली रखिएगा, कम से कम 1-2 GB अपने फ़ोन में, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रोसेस है बस इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।